हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी कीमा कलेजी। जिस तरह से आज मैं बनाऊंगी ये रेसिपी, वैसी आपने शायद पहले कभी नहीं बनाई होगी, तो एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी इसकी रेसिपी। सबसे पहले तो हमें कढ़ाई को गरम करना है। इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। ये देखिए ऑयल गरम हो गया है। इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, 2 से 3 डाल देंगे, छोटी इलायची, थोड़ा सा सिनेमन स्टिक्स और 2 से 3 तेज पत्ते, और अब हम डाल देंगे इसमें 4-5 लौंग। अब इसमें डाल देंगे चॉप करी हुई 2 से 3 प्याज। अब इसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए हम फ्राई करेंगे इसे लाइट ब्राउन तक। उसके बाद डाल देंगे इसमें 10 से 12 काली मिर्च। अब इसे हम फिर से चला लेंगे एक बार। प्याज फ्राई होने में डाल देंगे हम नमक, ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। इस रेसिपी में मैं डालूंगी एक खास चीज़ जो मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगी। अब ये देखिए अब इसमें कलर चेंज हो गया है, डार्क ब्राउन हो गई है। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये घर का अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसे अच्छे से हम लोग पका लेंगे, मीन्स भूंज लेंगे। फिर डाल देंगे इसमें 2 से 3 बीच से कटी हुई हरी मिर्च। जब ये अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा, तब डाल देंगे इसमें धुला हुआ कीमा। ये मैंने अच्छे से धुल के ड्रेन कर लिया था पानी इसका। फिर इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। इसमें डाल देंगे पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच, आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी, और 2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये देखिए अब सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसे हमें फुल फ्लेम में ऐसे ही भूनना है 5 मिनट के लिए कम से कम। मसाले भूनने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब इसे हम ढक देंगे, क्योंकि कीमे को पकना भी है अभी। ये देखिए खोल के देखेंगे हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, और थोड़ी सी डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 चम्मच डाल देंगे मटन मसाला, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। अब इसको ढक के एक बार और देख लेंगे 5 मिनट के बाद। ये देखिए मटर हमारा पकने लगा है और ऑयल भी ऊपर आने लगा है। अब ये डालेंगे हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है मेथी। यस, इसमें मेथी डाल के आज हम बनाएंगे, जो कि सबसे खास इंग्रेडिएंट है इसका। आप ऐसे एक बार कीमे को बना के देखेंगे, कीमे के साथ डालेंगे मेथी, इसका टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। एक बार ज़रूर इसे बना के ट्राई करें। अब इसे हम लोग मेथी डालने के बाद फिर 5 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर खोल के देखेंगे। देखिए अब डाल देंगे इसमें वो कलेजी के पीसेस जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, थोड़े से हल्दी के पानी में। फिर डालेंगे इसमें उसी के साथ टमाटर लगभग 2 चॉप करे हुए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में, और हमें टमाटर को अच्छे से गलाना है, इसलिए हम फिर से इसको 10 मिनट के लिए ढक लेंगे। ये देखिए अब हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, मिक्स हो गए हैं। अब डाल देंगे इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी। ये ज़रूर डालें, इससे टेस्ट और खुशबू दोनों ही इन्हेंस हो जाएगी। अब इसे मिला लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी लगभग 1 गिलास। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है इसमें, इसकी ग्रेवी थिक रहती है, इसलिए सिर्फ 1 गिलास ही पानी डालेंगे। बिकॉज ये पक चुकी है लगभग 80% 90%, इसलिए अब इसमें पानी इतना काफ़ी है। अब इसे पका लेंगे एक बार और पानी के साथ। अब देखिए इसे ढक के फिर हमने खोल के देखा है, अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें लास्ट में डाल देंगे हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। ये लीजिए अब ये रेडी है। अब इसी करेंगे हम प्लेटिंग। आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सारे वीडियोस देखने के लिए मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक रहती है, आप उस पर जाके सारे मेरे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।